अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माहे मुहर्रमुल हराम चल रहा है। मुहर्रम का महीना इंतहाई हुर्मत वाला, अज़मत वाला, एहतराम वाला, बड़ी शान और बड़े मकाम वाला है। और ये शान और मकाम इस महीने की हमने बयान नहीं की है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की शान, मकाम, पहचान और हैसियत बयान की है। जिसको रसूलुल्लाह और अल्लाह बड़ा कह दें, यकीनन वो बड़ा होता है और उसकी शान और मकाम बड़ा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें हमने अपनी जानिब से ऐड कर ली हैं, अपनी जानिब से शामिल कर ली हैं, जो रसूलुल्लाह ने नहीं बयान की हैं। जैसे उनमें से बहुत सारे लोगों के जहन में ये तसव्वुर है कि मुहर्रमुल हराम में अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए, मुहर्रमुल हराम में गोश्त नहीं बनाना चाहिए, या अच्छे डिशें नहीं बनानी चाहिए, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि ये महीना, माह मुहर्रमुल हराम, ये सोग का महीना है, गम का महीना है। गम और सोग किस बात का? गम और सोग इस बात का है कि इस महीने की 10 तारीख को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए हैं। लिहाजा उनकी शहादत की वजह से सोग मनाना चाहिए और गम का इजहार करना चाहिए। सोग मनाने वाले, गम का इजहार करने वाले अच्छे खाने नहीं बनाते हैं। जिन घरों में सोग और गम होता है उनके यहाँ अच्छी डिशें नहीं बनती हैं, इसलिए वो ये कहते हैं कि इन दिनों में, मुहर्रम के महीने में, अच्छे खाने और अच्छी डिशें बनाने से और खाने से एतराज़ करना चाहिए। हालांकि ये बिल्कुल बेहुदा बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए हैं और शहादत ये आला तरीन मकाम है। अल्लाह की जानिब से ख़ास लोगों को शहीद बनाया जाता है। अल्लाह ताला सबको शहादत नहीं देता है। शहादत तो ये एक शान है, शहादत एक मकाम है, शहादत एक एज़ाज़ है, शहादत एक एहतराम है। और उस एज़ाज़, एहतराम, मकाम और शान पर हम गम का इजहार करने लगें तो ये तो बेहुदा बात हुई ना। अच्छा, अगर शहादत पर गम ही करना है तो फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर गम क्यों? इस्लामी शुहदा, तारीख़ इस्लाम में कितने लोगों ने जाने दी हैं, वो शहीद हुए हैं। अगर हम शहीदों की शहादत पर गम का इजहार करने लगें तो फिर पूरे साल में कोई दिन भी नहीं बचेगा जिस दिन कोई ना कोई इस्लाम के नाम पर शहीद ना हुआ हो। तो फिर तो पूरा साल ही गम में गुजरेगा, पूरे साल ही सोग मनाना चाहिए, पूरे साल ही अच्छी डिशें नहीं बनानी चाहिए, पूरे साल ही अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए। ये बेहुदा बात है। ये गम का महीना नहीं, इस महीने के फ़ज़ाइल हैं, इबादत इसमें करनी चाहिए, गम नहीं करना चाहिए। और अगर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी भी देखनी है तो उनके किरदार को देख कर के इस महीने के वास्ते और तवस्सुस से उनकी सीरत को पढ़ करके उस पर चलना चाहिए। न ये कि सिर्फ गम मनाने और अच्छा खाना ना खाएँ। इसी तरीके पर बहुत सारे लोग इस महीने में अच्छे कपड़े पहनने को मायूब समझते हैं। उन्होंने सिर्फ एक ड्रेस अपने लिए बना ली है, ब्लैक कलर की, जो गम और परेशानी की निशानी और अलामत होती है, जो सोग की अलामत और निशानी होती है। वो सोग के मौके पर ही पहनी जाती है। वो ये कहते हैं कि बस ये मुहर्रमुल हराम का महीना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से, सोग की शहादत की वजह से, सोग और गम का है, इसलिए ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए। ये बेहुदा बात है। मुहर्रमुल हराम का महीना खाने और पीने के एतबार से दूसरे महीनों के जैसा है। आप अच्छे से अच्छा खा सकते हैं, अच्छे से अच्छा जो आपको पसंद आए वो पहन सकते हैं, शरी हुदूद में रहते हुए। लिहाजा ये बेहुदा बातें नहीं करनी चाहिए। कोई खाना हराम नहीं होता, कोई खाना नापसंद नहीं है मुहर्रम में, कोई भी ड्रेस पहनना भी जायज़ है, इसलिए इन बातों पर नहीं जाना चाहिए, सही बात पर अमल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ। दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।